दोस्तों, अगर आप हॉरर गेम खेलना पसंद करते हैं तो आप खूनी पिक हॉरर गेम के बारे में तो ज़रूर सुना होगा, जिसमें एक खूनी पिक लोगों को मार कर खा जाता है। दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा खूनी पिक की सच्ची डरावनी कहानी के बारे में, तो वीडियो पर बने रहें। एक छोटे से शहर में एक छोटी सी फैमिली रहा करती थी, जिसमें तीन भाई बहन और उनकी मम्मी रहा करती थी। फैमिली में जो बड़ा लड़का था, उसका नाम था पीटर, जो कि एक कंपनी में काम करके घर को चलाता था। और घर में जो बड़ी लड़की थी, उसका नाम था टीना। टीना घर के कामों में अपने मम्मी का हाथ बटाती थी। और फैमिली में जो छोटा लड़का था, उसका नाम था जॉन। जॉन स्कूल में पढ़ाई करता था और हमेशा इधर उधर घूमता रहता था। और जो तीनों भाई बहन की मम्मी थी, उनका नाम था जुलियाना। पीटर के पापा कई सालों पहले एक कार दुर्घटना में मारे गए थे, जिसके बाद से घर का सबसे बड़ा लड़का पीटर को घर संभालना पड़ा। और इसी वजह से पीटर अपना पढ़ाई भी पूरा नहीं कर पाया। एक दिन जॉन और जॉन का एक दोस्त डेनी दोनों भूतों की सच्चाई के बारे में पता लगाने के लिए एक कब्रिस्तान पर जाते हैं। और वहां जाने के बाद हॉरर गेम्स खेलने लगते हैं, जिससे कोई भूत आकर हमें मदद मांगे। दोनों जिस कब्रिस्तान पर गए होते हैं, उस कब्रिस्तान को शापित माना जाता है, क्योंकि लोगों का कहना था कि उस कब्रिस्तान पर रात के समय बहुत सी चीखने चिल्लाने का आवाज़ सुनाई देता है। जॉन और डेनी कुछ देर तक हॉरर गेम्स खेलने के बाद वहां से चले जाते हैं, और उनके साथ कुछ भी नहीं होता। इसे दोनों को ये पता चल जाता है कि इस दुनिया में भूत प्रेत जैसी कोई भी चीज़ नहीं होती, लेकिन जॉन को ये अंदाज़ा नहीं था कि आगे क्या होने वाला है। अमावस की रात के 3 बजे जॉन अपने कमरे पर सो रहा होता है, तभी जॉन अजीबोगरीब आवाजें करने लगता है, जिसे सारे घर के लोग जॉन के पास आ जाते हैं। जॉन को देखकर सब लोग बहुत डर जाते हैं, क्योंकि जॉन को देखने से ऐसा लग रहा था कि उसके अंदर कोई बुरी शक्ति हो। कुछ घंटे बाद जैसे ही सूर्य उदय होता है, तो जॉन फिर से ठीक हो जाता है। इसके बाद से जॉन हर अमावस की रात को चीखने चिल्लाने लगता है, जैसे कि मानो उसके अंदर किसी शैतान ने कब्जा कर लिया हो। जॉन के घर वाले बहुत सारे प्रीस्ट और डॉक्टर को दिखा चुके थे, लेकिन फिर भी जॉन ठीक नहीं हो रहा था। आखिर में जॉन की फैमिली को एक शैतान की पुजारी का सहारा लेना पड़ता है। वो शैतान का पुजारी जॉन के फैमिली वालों को कहता है कि पूर्णिमा की रात को एक कटे हुए सुअर के सिर को लाकर अपने घर के बीचों बीच दफना देना, उसके बाद सब कुछ ठीक हो जाएगा। शैतान के पुजारी के कहे अनुसार जॉन के फैमिली वाले एक कटे हुए सुअर के सिर को लाकर अपने घर पर दफना देते हैं, लेकिन इसके बाद से घर के सारे लोगों को अजीबोगरीब डरावने सपने आने लगते हैं, जिसके बाद पीटर जाकर उस कटे हुए सिर को बाहर निकालकर फेंक देता है। उसी रात को एक अजीब सा दिखने वाला सुअर फैमिली के सारे लोगों को मार देता है। इस घटना के बाद से लोगों ने उस अजीब सा दिखने वाला सुअर को देखने का दावा किया है, जिसके इंसानों के जैसे हाथ और पैर होते हैं। ऐसे बहुत सी कहानियां खूनी पिक के ऊपर बनाई गई है, जो कि इंटरनेट पर मौजूद है, जिसमें से ये एक है। दोस्तों, ये स्टोरी कैसा लगा नीचे कमेंट करके जरूर बताना। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।